हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत। आप देख रहे हैं अमरजीत स्टोरीज यूट्यूब चैनल और आज हम क्लास ट्वेल्थ की इंग्लिश की बुक का तीसरा चैप्टर कवर करेंगे जिसका नाम है डीप वाटर और इसके ऑथर हैं विलियम डगलस। लेखक डब्ल्यू ओ डगलस ने तैरना सीखने का निर्णय किया। YMCA यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन नामक संस्था में एक तालाब था। यह अमेरिका के याकिमा नामक राज्य में थी। यह संस्था तैरना सीखने का अवसर प्रदान करती थी। याकिमा नदी, जो इस राज्य में से होकर बहती है, गहरी और खतरनाक थी। लेखक की माँ अक्सर इसके बारे में उसे चेतावनी देती रहती थी। वह उसे उस नदी में होने वाली डूबने की विभिन्न दुर्घटनाओं की याद दिलाती रहती थी, किंतु YMCA का तालाब सुरक्षित था। वह एक सिरे पर सिर्फ 2 या 3 फीट गहरा था और दूसरे सिरे पर 9 फीट। उसकी टांगें पतली थी और उसे उन टांगों को नंगा करने में काफी शर्म आती थी। फिर भी उसने वाटर रिंग्स का एक जोड़ा लिया और तैरने के लिए तालाब की तरफ चला गया। लेखक अपने बचपन की एक घटना का वर्णन करता है। उस घटना ने उसमें पानी में घुसने का डर पैदा कर दिया था। वह उस समय 3 या 4 वर्ष का था। उसका पिता उसे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गया। वे दोनों किनारे पर पानी में इकट्ठे खड़े हो गए। बच्चा अपने पिता से चिपटा हुआ था, किंतु एक शक्तिशाली लहर आई और उसने उसे नीचे पटक दिया। पानी उसके ऊपर से निकल गया। एक पल के लिए उसकी सांस घुट गई। पिता तो हंस दिया, परंतु लेखक का दिल आतंक से भर गया। बाद में जब लेखक YMCA के तैरने के तालाब का सदस्य बना, तो बचपन की वे असुखद यादें दोबारा उसके मन में आ गई। उसके मन में फिर से डर आ गया, किंतु थोड़ी देर के बाद उसमें आत्मविश्वास आ गया। उसने दूसरे लड़कों को देखा और अपने वाटर रिंग्स की मदद से तालाब में पाव मारने लगा। ऐसा उसने विभिन्न दिनों में 2 या 3 बार किया। अब वह पानी में रहने का अभ्यस्त हो चला था, किंतु एक दिन उसे एक भयानक अनुभव हुआ। जब वह तालाब पर गया तो वहां कोई अन्य व्यक्ति नहीं था। उस स्थान पर पूरी खामोशी थी। वह अकेला पानी के अंदर जाने से डर रहा था, इसलिए वह तालाब के एक ओर बैठ गया और दूसरों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। शीघ्र ही एक भारी भरकम लड़का, जिसकी उम्र लगभग 18 वर्ष की थी, वहां आया। उसकी बड़ी बड़ी सुदृढ़ मांसपेशियां थी। उसकी छाती पर घने बाल थे। ए पतलू, उसने कहा, क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? ऐसा कहते हुए उसने लेखक को ऊपर उठाया और उसको गहरे सिरे वाले पानी में फेंक दिया। लेखक पानी के अंदर बैठने की मुद्रा में गिरा। वह एकदम से तालाब के नीचे तल पर चला गया। वह डरा तो अवश्य, पर ज्यादा नहीं। नीचे की ओर जाते हुए ही उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अब जब उसके पैर निचले तल पर लगेंगे तो वह जोर से एक उछाल मारेगा, फिर वह पानी की सतह पर आ जाएगा। किंतु निचले तल की दूरी उसे बहुत ज्यादा प्रतीत हो रही थी। वह 9 फीट उसे 90 से भी ज्यादा लग रहे थे। उसके फेफड़े मानो फटने वाले थे। जब उसके पैर निचले तल से लगे तो उसने अपनी सारी शक्ति लगाई और ऊपर की तरफ एक जोरदार उछाल लगाई। उसने कल्पना की थी कि वह एक कार्क की तरह सतह पर आ जाएगा, किंतु वह केवल धीरे धीरे ही ऊपर की तरफ आया। उसने अपनी आंखें खोली। उसे पानी के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह आतंकित हो उठा। उसका दम घुट रहा था। उसने चिल्लाने का यत्न किया पर कोई आवाज ना निकली। उसकी आंखें और नाक पानी से बाहर आ गए, किंतु उसका मुंह नहीं। उसने अपनी टांगों को ऊपर लाना चाहा, किंतु एक शक्तिशाली बल उसे नीचे की ओर खींचे जा रहा था। वह फिर से तालाब के निचले तल की लंबी यात्रा पर चल पड़ा था। उसकी सांस पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। उसके फेफड़ों में दर्द हो रहा था। उसका सिर झनझना रहा था। उसे चक्कर आने लगे थे। वह नीचे और नीचे जा रहा था। उसने अपनी आंखें खोली। उसे सिर्फ काला पानी दिखाई दे रहा था। उसमें से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था।
लेखक को पूर्ण आतंक ने जकड़ लिया। यह वह आतंक था जिसे वह व्यक्ति नहीं समझ सकता जिसने उसका अनुभव न किया। वह पानी के नीचे चिल्ला रहा था, वह डर के कारण जड़ बना हुआ था, यहाँ तक कि उसकी चीखें उसके गले में ही अटक गई थी। सिर्फ उसका दिल उसे बता रहा था कि वह अभी भी जीवित था। अंत में उसने अपने नीचे के तल वाली टाइलों को महसूस किया। वह अपनी पूरी ताकत से ऊपर उछला, परंतु उछलने से कोई फर्क ना पड़ा। पानी अब भी उसके चारों तरफ था। वह डर से कांपने और थरथराने लगा। वह अपनी बाहें नहीं हिला पा रहा था, वह अपनी टांगे नहीं हिला पा रहा था। उसने मदद के लिए चिल्लाने का यत्न किया, परंतु वह कुछ भी ना कर पाया। परंतु फिर एक विचित्र बात हुई कि उसे एक रोशनी दिखाई दी, वह पानी में से बाहर आ रहा था। उसकी आंखें तथा नाक लगभग पानी में। फिर वह तीसरी बार नीचे को जाना शुरू हो गया। उसने सांस लेने के लिए हवा को अंदर लेना चाहा, किंतु उसके अंदर सिर्फ पानी ही गया। उसके बाद उसने सब प्रयत्न छोड़ दिए। वह शांत, उसके दिमाग पर अंधेरा छा गया, उसका सब भय समाप्त हो गया। अब कोई आतंक नहीं रहा था, सब कुछ शांत तथा खामोश था। वहां कुछ नहीं रहा था जिससे उसे डर लगता। वह सोचने लगा, बहुत बढ़िया है, निद्रालु होना, नींद का आना, अब मुझे ऊपर की ओर छलांग लगाने की कोई जरूरत नहीं रही है, यह बढ़िया है। धीरे धीरे उठाकर मुझे कोई ले जा रहा है, कोमल बाहों में लपेटे हुए, मेरी माँ की बाहों की तरह कोमल बाहें। अब मुझे सो जाना चाहिए। इसके बाद जीवन का फिर पर्दा गिर गया और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। अगली चीज जो उसे याद आई वह थी कि वह तालाब के एक तरफ अपने पेट के बल पड़ा हुआ था। उसे उल्टी आ रही थी। वह लड़का जिसने उसे पानी के अंदर फेंका था कह रहा था, परंतु मैं तो मात्र मजाक कर रहा था। किसी अन्य ने कह दिया, बच्चा तो लगभग मर ही गया था। कई घंटों के बाद वह घर की ओर जाने लगा। वह कमजोरी महसूस कर रहा था और कांप रहा था। जब वह अपनी चटपाई पर लेटा तो थरथराया और रोने लगा। वह उस रात कुछ भी न खा पाया। कई दिनों तक उसका दिल भयानक डर से भरा रहा। वह फिर कभी वापस उस तालाब की तरफ ना गया। वह पानी से डरने लगा था। वह इससे दूर रहता जब भी संभव होता। कुछ वर्षों के बाद लेखक को कुछ जल स्थलों पर जाने का मौका मिला, जैसे कि द स्केड, टाइटन नदी, बम्पिंग नदी और वार्म लेक। किंतु जब भी वह पानी में अपना पैर डालना चाहता, वही पहले वाला डर फिर से उस पर छा जाता। उसकी टांगे निष्क्रिय हो जाती, गहरा भय उसके मन में भर जाता। वह डर उसके साथ कई वर्षों तक बना रहा। जब भी वह नाव में सवार होता या मछली के शिकार पर जाता, वही भय उसे फिर से घेर लेता। इससे मछली के शिकार वाली उसकी सभी यात्राओं का आनंद बर्बाद हो जाता। यह डर उसे नाव की सवारी करने या तैरने के सब आनंद से वंचित कर रहा था। लेखक ने इस डर पर काबू पाने का हर तरीका इस्तेमाल किया, किंतु असफल रहा। अंत में अक्टूबर के एक महीने में उसने एक प्रशिक्षक से तैरना सीखने का निश्चय किया। वह एक तालाब को जाने लगा और प्रतिदिन एक घंटा सप्ताह में 5 दिन अभ्यास किया करता। प्रशिक्षक ने उसके गिर्द एक पेटी बांध दी। उस पेटी से एक रस्सी बांध दी गई। वह रस्सी एक चरखी में से गुजरती जो सिर के ऊपर की तरफ बंधी एक केबल के ऊपर से चलती थी। वह प्रशिक्षक रस्सी का एक सिरा पकड़े रहता। इस प्रकार लेखक ऊपर नीचे पूरे तालाब में जा सकता था। वह अनेकों घंटे, अनेकों दिन और अनेकों हफ्ते अभ्यास करता रहा। हर बार जब प्रशिक्षक रस्सी पर से अपनी पकड़ ढीली करता, लेखक पर वही पुराना आतंक लौट आता। 3 महीने के बाद तनाव कुछ कम होना शुरू हो गया। इसके बाद प्रशिक्षक ने उसे अपना मुंह पानी के अंदर डालकर सांस बाहर छोड़ना सिखाया। फिर उसने उसे अपनी नाक बाहर निकाल कर सांस अंदर लेना सिखाया। लेखक ने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। धीरे धीरे उसके पुराने डर का कुछ भाग जाता रहा। इसके बाद प्रशिक्षक ने उसे टांगों द्वारा थपथपाने का अभ्यास करवाया। कई हफ्तों तक लेखक सिर्फ यही करता रहा। शुरू शुरू में उसकी टांगे काम करने से जवाब दे देती, परंतु धीरे धीरे वह अपने आदेश अनुसार उनसे काम करवाने में समर्थ हो गया। इस प्रकार धीरे धीरे करके प्रशिक्षक ने लेखक को एक कुशल तैराक बना दिया।
और अंत में उसने कहा, अब तुम तैर सकते हो। पानी में डुबकी लगाओ और तालाब की पूरी लंबाई को तैरकर पार करो। लेखक वैसा करने में समर्थ हो गया, प्रशिक्षक का काम अब पूरा हो चुका था। किंतु लेखक को अब भी संदेह था कि क्या वह डर दोबारा उसमें भर जाएगा जब वह तालाब में अकेला होगा। उसने इसे जांच कर देखा। वह तालाब की पूरी लंबाई दोनों तरफ तैर कर गया। पुराने भय की धीमी यादें उसके मन में दोबारा आई, किंतु अब उसने सारे डर को अपने मन से निकाल फेंका। उसने तालाब का एक और चक्कर लगाया। ऐसा 4 महीने तक चलता रहा, किंतु वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। उसे पक्का निश्चय नहीं था कि उसका सब आतंक समाप्त हो चुका था, इसलिए वह न्यू हैम्पशायर में स्थित लेक वेंटवर्थ पर गया। वह झील में एक सिरे से दूसरे सिरे तक 2 मील तक तैर कर गया। केवल एक ही बार वह पुराना आतंक वापस आया जब वह झील के मध्य में था और उसने अपना चेहरा पानी के अंदर किया। उसे वहां अगाध पानी के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पुराना डर थोड़ा वापस आ गया, किंतु शीघ्र ही सब भय एकदम लुप्त हो गया और लेखक ने तैरना जारी रखा। फिर भी उसके कुछ संदेह बाकी थे। एक बार उसने जाकर वार्म लेक की बगल में पड़ाव डाल दिया। अगली सुबह उसने झील में डुबकी लगा दी। वह दूसरे किनारे तक तैर कर गया और फिर वापस तैर कर आया। वह आनंद से चिल्ला उठा। उसने पानी के संबंध में अपने भय पर विजय पा ली थी। लेखक के लिए अपने इस अनुभव का एक गहरा अर्थ था। मृत्यु में शांति होती है, केवल मृत्यु के भय में ही आतंक होता है। रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, केवल जिस चीज से हमें डरना होता है वह भय ही है। लेखक ने मृत्यु की अनुभूति और मरने के आतंक दोनों का ही अनुभव किया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि मेरी द्वारा बनाई गई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए तो नोटिफिकेशन बेल दबा दें।